शिलान्यास के अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय विधान पार्षद अर्जुन शर्मा जी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य जी, सुपरिटेंडेंट अधीक्षक डॉक्टर सिन्हा जी, इस विभाग के विभागाध्यक्ष किरण मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर आमोद जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर शुक्ला जी, इस विभाग के हेल्थ मैनेजर चंद्रलेखा जी, पार्टी के महामंत्री जिला के प्रोफेसर आदित्य नारायण चौधरी मंदा जी, नगर निगम के पार्षद भरत सहनी जी जी उपस्थित अधिकांश लोगों का मैं नाम जानता हूँ, सबका नाम लेना संभव नहीं है, उपस्थित अन्य चिकित्सकगण और उपस्थित चिकित्सा कर्मी और पार्टी के कार्यकर्ता, आज इस कंगारू मदर हेल्थ केयर यूनिट का शिलान्यास का अवसर है। वो मेरे विधायक कोष से 8,50,000 की राशि इसमें आवंटित की गई है। राशि तो बहुत ज्यादा है, डीएमसीएच में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की बात होती है, लेकिन यह राशि नरेश सहनी जी, यह राशि बहुत छोटी है, लेकिन यह आवश्यकता थी। लगातार कई बार चंद्रलेखा जी का घर मेरे घर की ओर से ही जाता है, तो जब भी ड्यूटी में आती है तो उधर से आती है और लौटते समय मेरे घर की ओर जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी कई बार मुझे लगता है मुझे कहें आवास पर गए, हम लोग को समय बहुत दबाव रहता है, गली का नली का कुछ काम का, तो जो संस्थान है उसमें हम लोग राशि नहीं के बराबर देते, या इसमें जो यूनिट है इसमें दी गई है, और आगे भी हम देखते हैं अगर एस्टिमेट को अगर रिवाइज करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, शायद 20 या 18 का है, लेकिन जो अभी हम देख रहे थे जो फिल्म डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने दिखाया है उसमें इंटीरियर वगैरह की कैसे व्यवस्था होगी, जो कि सिस्टमेट में नहीं होगा। आपने मुझे याद है बताया था कि यूनिसेफ वगैरह या कोई बिहार सरकार ने रेकरिंग एक्सपेंडिचर के लिए दिया है, इंटीरियर वगैरह जो सीलिंग वीलिंग बनाना होगा वो सब हो जाए, हजारों का मरीज हो जाए। और दूसरे तरफ प्रिंसिपल कॉलेज में जो जांच का बड़ा बड़ा मशीन पड़ा हुआ है, हर दिन में 50 भी होता है कि नहीं होता है, इसमें भी हम लोग का संदेह, क्या इसको हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते? जो हमारा इंडोर का पेशेंट है उसको कॉलेज से करवा दे उसकी जांच, वहां भी तो एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा, छात्र वहां अनुभव के लिए है, अगर वो हर दिन में 50-100 जांच करेंगे तो क्या इंडोर को हम लोग वहां नहीं कर सकते? एक तरफ आउटडोर को कर दे जहां कॉलेज हॉस्पिटल का है, और जो कॉलेज का जो हमारा लेबोरेटरी है इतना आधुनिकतम लेबोरेटरी है, प्रिंसिपल साहब उनको घुमा घुमा के एक दिन दिखाए थे, इतना बड़ा बड़ा मशीन, इतना अच्छा आधुनिकतम मशीन, लेकिन वो मशीन भर दिन में 5 मरीज 10 मरीज 12 मरीज, तो क्या हम लोग ये कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम लोग को पर्सनली एफर्ट करना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से जब हमको ये समझ में आएगा या मरीज जो, अगर आप समझिए हमारा घर का बच्चा हो यहाँ आए उसको ऐसा मिले तो हम लोग हॉस्पिटल में नहीं देते, थोड़ा सा निजी एफर्ट लगाना पड़ेगा। संसाधन की कमी नहीं है, सरकार भी राशि देने में कमी नहीं कर रही है, थोड़ा सा हम लोग को लगना, ये बस थोड़ा सा माथा में ये आ जाए कि जो मरीज जो आ रहे हैं, जो किसी न किसी यहाँ के मरीज है, हमारे परिवार के अंग है, हम लोग इसको कैसे सुविधा दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर व्यक्तिगत एफर्ट लग जाएगा तो मुझे लगता है जो डीएमसीएच, ठीक है जब से नई टीम आई है कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल एफर्ट लगा देंगे तो मुझे लगता है और बेहतर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और जल्द ही सर्जिकल वार्ड का भी काम प्रारंभ होने वाला है, जो बड़ा सर्जिकल उसका जो बहुत सारे हर्डल्स थे वो हर्डल समाप्त हो गए हैं, और आपका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी मुझे लगता है भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, प्रिंसिपल से आप यहाँ पर कैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ चालू हो, मुझे लगता है आगे 3-4 महीने में यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सरकार जो बोल रही है मुझे लगता है 3-4 महीने में यहाँ भी काम प्रारंभ होगा, और बड़ा काम एम्स, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि दरभंगा में एम्स हो सकता है, लेकिन सरकार ने निर्णय कर लिया है कि दरभंगा डीएमसीएच में एम्स का निर्माण होगा, और हम सभी लोग जानते हैं कि 262 एकड़ में 203 एकड़ एम्स के लिए और बाकी को अलग से कर्नांकित करके रखा गया है, उसमें डीएमसीएच रहे ऐसा हम लोग चाहते हैं। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने घोषणा भी की थी कि नहीं एम्स भी रहेगा और डीएमसीएच भी रहेगा, तो हम लोग चाहते हैं दरभंगा एक बड़ा हब है,
और मेडिकल में तो और आगे बड़ा दरभंगा में क्रांतिकारी जो है होने वाला, जब हमारा एयरपोर्ट जून माह से यहाँ एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, तो यहाँ चिकित्सा सुविधा, चिकित्सक को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी वाले को आने जाने में दिक्कत नहीं, तो जून में यहाँ जो है एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा, एम्स भी बहुत जल्दी हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जो है इसको बिहार सरकार अनुशंसा करके भारत सरकार भेज दे, तो उसको जो है फिर से जो है मतलब भारत सरकार इसको डीएमसीएच के रूप में प्रोसीडिंग में लिखा गया है भारत सरकार के कि डीएमसीएच के जमीन पर एम्स का निर्माण होगा, ऐसा भारत सरकार निर्णय कर चुकी है। अब यहाँ से अनुशंसा जाएगी, उसके बाद जो है वहां अगर कोई सामान की कमी, आप उनको लिस्ट दीजिए तुरंत, कोई राशि की कमी नहीं है। उसने फिर सुभेंद्र साहब से बात हुई तो सुभेंद्र साहब कहने नहीं वेंटिलेटर के लिए हम लिख दिए हैं, तो अब अभी मैं बात कर रहा था बोले नहीं वेंटिलेटर आ गया है, इमरजेंसी वार्ड में लग गया है, हमने पूछा उपयोग हो रहा है कि नहीं, तो सुभेंद्र साहब का नहीं नहीं वहां उपयोग हो रहा है। अब कम से कम सुभेंद्र साहब ये कहे कि एक लगा, इसके पहले मुझे लिस्ट मिलती थी 18-19-20 वेंटिलेटर पूरे डीएमसीएच में उपलब्ध है, तो वेंटिलेटर ही नहीं और भी जो मिनिमम नॉर्म्स है डीएमसीएच में कौन लोग आते हैं, जो गरीब जो निजी चिकित्सालय में अपना इलाज नहीं कर, या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार, तो उसको जरा अगर कोई अगर ऐसी आवश्यकता है, बीच में पता चला कि एक्सरे ही नहीं हो रहा है, दो दो एक्सरे नई मशीन जो है खरीद के रखी गई थी साल भर तक वो एक्सरे नहीं हुआ, फिर हमने असेंबली में क्वेश्चन किया तो पता लगा एक एक्सरे चालू हो गया एक एक्सरे बंद हो गया, बीच में फिर अखबार में छपा कि एक्सरे फिर वो वाला एक्सरे कौन सा था डिजिटल एक्सरे लगा फिर बंद था, फिर असेंबली में क्वेश्चन किया तो कहा गया नहीं नहीं एक्सरे डिजिटल एक्सरे चालू हो गया, फिर हम लोग 7-8 महीने के बाद संयोग से कहे कि भाई चालू है तो 10-9 महीना में तो कुछ तो एक्सरे हुआ होगा, और कुछ एक्सरे क्या, अगर डिजिटल एक्सरे डीएमसीएच का चालू रहे तो भर दिन लाइन लगा रहेगा एक्सरे के लिए, तो मेरा इतना ही आग्रह कि भाई समस्या अगर है तो उसका निदान होना चाहिए, न कि किसी तरह टाल देना चाहिए। अगर फिर बाद में देखे अखबार में सुपरिटेंडेंट साहब सक्रिय हुए तो फिर वो पता नहीं अखबार में देखे कि नहीं मेंटेनेंस में है, वो हो जाए, हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, फिर इतनी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत में पता चला 2 मरीज का इलाज हुआ, फिर बाद में हम लोग भी लगे सुपरिटेंडेंट साहब वगैरह भी लगे किसी की जवाबदेही दिए तो पता चला अभी तक 48 बोले हैं सुपरिटेंडेंट साहब के 48 ऑपरेशन हम लोगों ने। अगर आयुष्मान भारत इतनी महत्वाकांक्षी योजना का धरातल को उतारा जाए तो 6 महीने में 48 नहीं रोज 48 सर्जरी जो है आयुष्मान भारत से हो सकती है, और जो भी यहां मरी जाते हैं ठीक है, भारत सरकार ने लगभग 45% पॉपुलेशन के हिसाब से आयुष्मान भारत में अटैच किया, लेकिन यहां तो निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार आते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 70% से ऊपर डीएमसीएच में आने वाले मरीज भारत सरकार के आयुष्मान भारत में कवर्ड होंगे। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, हम लोग भी यहाँ रहते हैं, आप भी रहते हैं, धरातल पर कुछ समस्याएं, थोड़ा देर रुक जाए पाँच थोड़ा देर, मतलब कुछ समस्याएं हैं, इस समस्याओं को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते, इतनी राशि डीएमसीएच में जब हम लोग बजट उलटाते हैं संजोग एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन, जब हम लोग बजट उलटाते हैं और बजट में जो राशि देखते हैं एक मेडिकल कॉलेज की, विशेषकर जो पुराने मेडिकल कॉलेज है, इतनी बड़ी धनराशि मेडिकल कॉलेज में खर्च हो रही है सरकार की नहीं, इनफैक्ट वो जनता का ही पैसा है, सरकार तो जो जनता पैसा देता है उसी पैसा से, इसलिए कैसे थोड़ा भगवान डॉक्टर चिकित्सा को तो लोग भगवान के रूप में देखते हैं, तो कैसे इसको जो है कुछ कुछ जो मिनिमम डिकोरम कोरम है, कम से कम ठीक है बहुत सुपर स्पेशलिटी हम लोग फैसिलिटी नहीं दे सकते, छोटी छोटी फैसिलिटी है, कोई अगर हड्डी का मरीज आया है तो मतलब उसको हो जाए उपचार, छोटा बीच में हम लोग गए थे जहाँ जांच होता है